करण काफी ज्यादा फिलहाल सैड मूड में दिखाई दे रहे हैं और उनके रील को देखकर तो जरूर लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन लग रहे हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने क्वेल। परसों से जो कंट्रोवर्सी चल रही है करण कुंद्रा के बारे में, सबसे पहले तो कोई फेक स्क्रीनशॉट्स मॉर्फ्ड वाले अपलोड किए गए जहाँ पे करण किसी तेजा के फैन गर्ल को अब्यूज़ कर रहे, गालियाँ दे रहे, ये सारी चीज़ें दिखाई दी। उसके बाद करण ने उसके ऊपर बात की, तेजस्वी ने ट्वीट किया कि ऐसे लोग तो मेरे फ़ैन हो ही नहीं सकते जो ऐसी झूठी चीज़ें करेंगे। कल करण हेटर्स को जवाब दे रहे थे, आज करण जो है थोड़ा सा ट्विटर से दूर ही रह रहे हैं और करण ने जो है इंस्टाग्राम पर एक थोड़ा सा सैड टाइप का रील जो है अपलोड कर दिया है, जो गहराइया का सैड वर्जन है, तू मर्ज है तू दबा भी, वही वाला जो रील है उन्होंने अपलोड किया। और ऑफकोर्स ऑडियो तो नहीं सुना पाऊँगी, बट हियर इज़ द वीडियो। और इसमें वॉक वगैरह कर रहे हैं, वो बीच साइड पे है। सो कैप्शन में लिखते हैं, लर्निंग टू लव द साउंड ऑफ माई फुट स्टेप्स वॉकिंग अवे फ्रॉम थिंग्स नॉट मेंट फॉर मी, हैशटैग ब्लेस्ड मेस। वो कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ टू लव द साउंड मेरे खुद के पैरों का, जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ उन चीज़ों से जो मेरे लिए नहीं बनी। सो आई एम ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर मी। तो शायद यहाँ पे यू नो वो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। बहुत लोग उनके फैंस हो, तेजस्वी हो, आई एम श्योर उनके घर वाले भी बोल रहे होंगे नेगेटिविटी को ध्यान मत दो, जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो शायद करण का ये कहना होगा कि यू नो ये नेगेटिव चीज़ों को दूर करना चाहता हूँ, अपने से दूर रखना चाहता हूँ, शायद इस तरीके से होगा। ब्लेस्ड मेस भी कह रहे हैं, वो मेस है लेकिन ब्लेस्ड वाले मेस है, इस तरीके से भी कहा। सो ये मुझे लगता है शायद उनका ये रीज़न हो सकता है, या ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लर्निंग टू लव द साउंड ऑफ माई फुटस्टेप्स वॉकिंग अवे फ्रॉम थिंग्स नॉट मेंट फॉर मी। आखिर कौन सी चीज़ है जिसके बारे में करण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, नॉट मेंट फॉर मी? आपको क्या है लगता, कॉमेंट्स में बताइएगा। सी यू।